नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस वो स्थिति होती है लिवर के डैमेज की कि जिस पे आपके जान पे बनाती है। तो यह एक गंभीर विषय है और तेज़ी से आजकल लिवर सिरोसिस के केस बढ़ रहे हैं। यह लगभग लाइलाज समस्या होती है क्योंकि लिवर आपका डैमेज के रेजिस्टेबल स्टेज में जा चुका होता है। लेकिन होम्योपैथी में इस स्थिति से भी निपटने की बहुत कारगर दवाएं हैं तो जो कि संभावना पैदा कर देती हैं कि आपका लिवर सिरोसिस ठीक हो जाए, लिवर का जो स्कैरिंग ऑफ टिश्यू है वह ठीक हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, लिवर सिरोसिस होता क्या है। लिवर सिरोसिस साथियों, लिवर डैमेज की वह स्थिति होती है जब आपके टिश्यू का स्कैर टिश्यू बनते बनते वह उस स्थिति में पहुंच जाए कि लिवर काम करना ही कम या बंद कर दे। होता क्या है कि हम लोग का लिवर किन्हीं कारणों से अक्सर डैमेज होता रहता है और डैमेज के बहुत बड़े कारण होते हैं अल्कोहल या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन या ओबेसिटी। तो जब यह स्थितियाँ होती हैं तो हम लोग का लिवर धीरे धीरे डैमेज होता है, लेकिन जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, जो लिवर का मैकेनिज्म होता है, वह स्कार टिश्यू बना के उस डैमेज को पूरा कर देता है, पैचअप कर देता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव अल्कोहलिज्म कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं या आप ओबीज हैं बहुत ज़्यादा, तो यह एक वक्त के साथ स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। एक दिन में लिवर सिरोसिस नहीं होता है, तो धीरे धीरे जो स्कार टिश्यू होता है यह बढ़ता जाता है। जब लिवर डैमेज हुआ तब स्कार टिश्यू बन गया। एक स्थिति आती है कि स्कार टिश्यू इतना हो जाता है कि लिवर नॉर्मली काम ही नहीं कर पाता, वही स्थिति को सिरोसिस कहते हैं। और यह एक जानलेवा स्थिति होती है, घातक स्थिति होती है। इसके सिम्टम साथियों जान लेते हैं लिवर सिरोसिस के। लिवर सिरोसिस के साथियों बहुत सिम्टम होते हैं, जिसमें से सबसे मेन सिम्टम होता है फटीग। अगर आपको कमजोरी आ रही है, फटीग आ रहा है, तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है ब्रूस्ट पेन ओवर बॉडी, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। अगर दर्द आपके बना है तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। तीसरी बात आती पीलापन शरीर में आना, येलोइश एक टिंट आने लगता है शरीर में, पीले रंग का रिफ्लेक्शन आने लगता है, आपको फटीग हो जाता है, आपको प्यास नहीं लगती है, आपके यहाँ राइट लंबर रीजन में यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो इस यह जो है वह लिवर सिरोसिस की स्थिति होती है। लिवर सिरोसिस के साथियों तमाम कारण होते हैं, ये हमने आपको भी बताया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यह एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। और इसके प्रमुख कारण होते हैं अल्कोहल का इंटेक, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, ज़्यादा दारू पीने का, ज़्यादा विस्की पीने का नतीजा। दूसरा होता है ओबेसिटी। तीसरा होता है आयरन की कमी। और चौथा होता है हेपेटाइटिस। और इसके अलावा बाइल डक्ट की ब्लॉकेज और अन्य होते हैं, लेकिन चार पांच प्रमुख कारण यही हैं जो कि लिवर सिरोसिस को शुरू करते हैं। चलते हैं साथियों, अब बताते हैं आपको होम्योपैथी में लिवर सिरोसिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों बता देना चाहते हैं, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी हो सकता है। साथियों, लिवर सिरोसिस को ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दो दवाएं हैं जो मिला के हम लोग क्लिनिक पर देते हैं, उसका लाभ मरीजों में देखते हैं। पहली दवा है साथियों कार्डुअस मैरिनस और दूसरी दवा है चेलिडोनियम मेजस। आप कार्डुअस मदर टिंचर और चेलिडोनियम मदर टिंचर की 10-10 बूंद आपस में मिक्स करके आधे कप पानी में दिन में, अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन है तो 5 बार, वरना 4 बार दिन में पिलवा दें। यह जो है लिवर सिरोसिस को बहुत फ़ायदा दे के लिवर की रिकवरी में आपको मदद कर देंगे। कार्डुअस का साथियों बहुत विशेष काम है। कार्डुअस मैरिनस का काम है कि वह आपकी बाइल को पतला करता है, थिनिंग ऑफ बाइल करता है। जब आपका बाइल थिन होता है तो आपका लिवर पे जो स्ट्रेस है वह ख़त्म होता है और उसी से आप ठीक होते हैं। तो कार्डुअस इस लिहाज में बहुत अच्छी दवा है लिवर सिरोसिस को ठीक करने की। और चेलिडोनियम मेजस
बहुत अच्छी दवा है लिवर सेल्स की रीजनरेशन की। जो स्कार टिश्यू आपके लिवर में आ गया है जिससे आपको लिवर सिरोसिस हो गई है वह धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है चेलिडोनियम के पीने से और एक महीने के अंदर लिवर सिरोसिस में आपको निश्चित फ़ायदा मिलता है। चेलिडोनियम की 6x पोटेंसी बहुत कारगर होती है, हमने अपने क्लिनिक पे इसको बेहतर काम करते देखा है। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, जो आपके बाइल बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन रहा, मतलब बाइल का कुछ न्यूट्रिशन कम है, कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है। अगर यह स्थिति है साथियों तो अपने बाइल को नॉर्मल करने की लिवर सिरोसिस की कंडीशन में और लिवर सिरोसिस को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा मायरिका सेरीफेरा है। आप मायरिका सेरीफेरा का मदर टिंचर या 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि जो इम्प्रॉपर बाइल बन रहा है, इनकम्प्लीट बाइल बन रहा है जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वह पूरे हो गए, आपका प्रॉपर बाइल बनने लगा और जब प्रॉपर बाइल बनने लगेगा तो आपको लिवर सिरोसिस भी ठीक होने लगेगा। मायरिका सेरीफेरा के पेशेंट्स में हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यह भी एक सिम्टम होता है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके लिवर सिरोसिस हुआ है या परिवार या घर या रिश्तेदारों में किसी को लिवर सिरोसिस हुआ है, उनके राइट साइड ड्रिप्स के नीचे पेन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे पेन की स्थिति हो रही है और लिवर सिरोसिस है तो उस स्थिति में लिवर सिरोसिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा लाइकोपोडियम क्लेविटम है। लाइकोपोडियम के मरीज को कम भूख लगती है, थोड़ा सा खाता है उसका पेट बढ़ जाता है, पेट अक्सर कुड़वाहट करता है, ख़राब रहता है और गैस बनी रहती है। अगर यह स्थिति आप देखते हैं इस पेन के साथ, रिब के नीचे राइट साइड पेन के साथ, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लाइकोपोडियम क्लेविटम है। आप यह दवा ले लें, आपको लाभ मिल जाएगा। एक स्थिति साथियों देखी जाती है लिवर सिरोसिस में कि आपके लिवर सिरोसिस होता है और आपको डायरिया होने लगता है। अगर यह स्थिति आपके है कि आपको लिवर सिरोसिस है और बार बार आपके मोशन आने लगते हैं, स्टूल आने लगते हैं, लैट्रिन पास होने लगती है, पानी ऐसी होने लगती है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है बाइल का भी जिससे आपको जॉन्डिस हो जाए और स्टूल का भी, तो उस स्थिति में लिवर सिरोसिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पोडोफाइलम। आप पोडोफाइलम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ बाइल है वह रुक गया, इससे आपका जॉन्डिस ठीक हो गया और आपका जो स्टूल पास हो रहा है वह भी नॉर्मल या सीमित हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको बहुत वीकनेस आ गई और आपके लिवर सिरोसिस है, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है और आपके लिवर सिरोसिस है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में लिवर सिरोसिस के केस में ले सकते हैं कि जब आपके बहुत ज़्यादा बेचैनी एंजाइटी हो रही हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, आपका गला बार बार सूखता हो, आपको प्यास लगती हो, रात में आपकी तकलीफें 12 बजे के आसपास बढ़ती हों, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। फिर साथियों एक स्थिति आती है लिवर सिरोसिस के केस में कि आपके राइट साइड पेन हो रहा हो, इतना पेन हो रहा हो कि आप इस करवट नहीं लेट सकते हैं। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क्यूरस सोलिबिलिस। मर्सोल 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें तो आपके जो राइट साइड टेंडरनेस है, आप इधर से लेट नहीं पा रहे हैं, वह स्थिति ठीक हो जाएगी और आप अपने में राहत महसूस करेंगे और आराम पाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है जो कि सबसे अहम कारण है लिवर सिरोसिस का, वह है अल्कोहल का इंटेक। तो अगर अल्कोहल का इंटेक आपका जीवन में हिस्ट्री रही है, क्योंकि अब जब लिवर सिरोसिस हो गया तो आप अल्कोहल नहीं ले रहे होंगे, अब तो देर हो चुकी है कि आप अल्कोहल लें, लेकिन आपने अल्कोहल लिया है और आपके लिवर सिरोसिस हो गई है तो अभी भी उम्मीद है आपको ठीक करने की। वह उम्मीद है नक्सफोमिका 30। नक्सफोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके बहुत ज़्यादा आपने अल्कोहल का ड्रिंक करा हो और आपका लिवर उससे सिरोसिस होकर ख़राब हो गया हो, नक्सफोमिका आपको फ़ायदा दे देगी। नक्सफोमिका के मरीज को बहुत जलन और एसिडिटी बनी रहती है, यह भी इस दवा का एक सिम्टम है। फिर साथियों एक बड़ी स्थिति आती है लिवर सिरोसिस में जो उसका मरीज है वो उसका एहसास कर सकता है कि उसका लिवर सिरोसिस हो गया है, लिवर में स्कैरिंग हो गई, लिवर काम करना कम कर दिया और उसके राइट शोल्डर में पेन है। अगर यह स्थिति किसी पेशेंट के है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्रैनिया एल्बा। आप ब्रैनिया एल्बा 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपकी चलने से तकलीफें बढ़ती हों, आपके राइट शोल्डर में पेन हो और आपको गैस्ट्रोहेपेटिक सिम्टम्स हो, यानी पेट भी खराब हो और आपका लिवर भी
डैमेज हो रहा हो, तो ब्रैनिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको जॉन्डिस हो गया और जॉन्डिस के साथ आपको लिवर सिरोसिस हो और आपको बहुत वीकनेस आ गई हो, आपकी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई हों। अगर यह स्थिति है आपके लिवर सिरोसिस में, यह सिम्टम है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक वीकली 5-5 मिनट के फासले पर ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, आपको ब्लड की वॉमिटिंग हो रही हो, आपकी उल्टी में ब्लड आ रहा हो, तो फॉस्फोरस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपको लिवर सिरोसिस की समस्या से निकाल देगी। फिर साथियों कंडीशन आती है कि आपकी भूख मर गई हो, लिवर सिरोसिस हो गया और खाने का मन ही ना कर रहा हो। अगर यह स्थिति आप में है कि आपके लिवर सिरोसिस हो गया और आपके खाने का मन ही ना कर रहा हो, तो उस स्थिति में लिवर सिरोसिस को ठीक करने और भूख बढ़ाने दोनों की कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेविटम। आप लाइकोपोडियम क्लेविटम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके खाने की इच्छा भी बढ़ गई और आपका लिवर सिरोसिस भी ठीक होने लगा। एक स्थिति आती है साथियों जब आपके लिवर सिरोसिस हो गया हो और आपके एब्डोमेन में पानी इकट्ठा होने लगा हो, एसाइटिस। यह बहुत कॉमन कंडीशन है। अगर लिवर सिरोसिस हुई है तो आपके एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा वाटर का बॉडी में। अगर यह स्थिति आपके है, एसाइटिस की स्थिति है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एपोसाइनम। आप एपोसाइनम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आपका जो एक्यूमुलेटेड वाटर है लिवर में वह भी सूख गया और आपका एसाइटिस ठीक हो गया और आपका लिवर सिरोसिस भी ठीक होने लगा। तो एपोसाइनम 30 इस स्थिति में आप एक बार लें, आप फायदा पा जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है लिवर सिरोसिस में कि आपको ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपको ब्लड की वॉमिटिंग हो रही हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है फॉस्फोरस और दूसरी दवा है क्रोटेलस हॉरिडस। फॉस्फोरस 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस वक्त ली जा सकती है जब आपके वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा हो, हीमेप्टिसिस हो रही हो ड्यू टू लिवर सिरोसिस और ब्लड ब्राइट रेड हो और मरीज़ को ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद हो। अगर यह 2 सिम्टम है तो दवा फॉस्फोरस है और क्रोटस हॉरिडस उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपकी जो ब्लड आ रहा हो मुँह से वो काला हो लिवर सिरोसिस में, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस क्रोटस हॉरिडस है। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आपके हार्ट की कंप्लेंट्स हो और आपको लिवर सिरोसिस हो गया हो। हार्ट की कंप्लेंट्स के कारण जो लिवर है बाइल बनाने के लिए सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो स्थिति हो टेक्निकल, तो हार्ट कंप्लेंट्स के साथ लिवर सिरोसिस को ठीक करने की सबसे कारगर दवा डिजिटेलिस है। आप डिजिटेलिस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका हार्ट भी ठीक हो गया, उससे रिलेटेड एलिमेंट्स भी ठीक हो गए और आपका लिवर सिरोसिस भी ठीक होने लगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी लिवर सिरोसिस के संबंध में। यह एक बड़ी समस्या है, क्रॉनिक समस्या है, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आप हॉस्पिटल में भी ये दवा अपनी दिए गए मेडिकेशन के साथ शुरू करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415763804915786380 पर अपनी क्वेरी लिख दें। कोशिश करेंगे कि आपको संतोषजनक जवाब दे पाएँ। ये साथियों कुछ दवाएं थी। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो होम्योपैथी को आपके करीब लाने का, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा आपने और लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, विश्वास करने के लिए और बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।